चलो तो आज मैं ऋषभ जैन आप लोगों को हमारी इंडियन आर्मी के बारे में बताऊंगा। हमारी इंडियन आर्मी तो देश की सबसे मजबूत और बड़ी आर्मी है। उसमें से मेरे देश के हमारे हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा जिनका नाम था शेर शाह, दुश्मन को शेर शाह के नाम से जानते थे। तो आज मैं आप सब लोगों को उनके बारे में बताऊंगा। तो क्या आप सुनना चाहोगे? कैप्टन विक्रम बत्रा इनका एक नाम था विक्की और शेर शाह। उनका जन्म 1974 में पार्नव हिमाचल प्रदेश में हुआ था। वो अपने पिता विधायक नाथ बत्रा के तीसरे बेटे थे जो कि गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल थे। उनकी माँ कमल बत्रा एक स्कूल टीचर थी। उनके दो भाई और दो बहने। अब आते हैं उनकी स्कूलिंग के बारे में। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल से की थी, पालमपुर डीएवी कॉलेज चंडीगढ़। वहां से बीएससी करा और उसके बाद कॉलेज करने के बाद उन्होंने एनसीसी में एयर विंग में ज्वाइन किया। अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो कि उन्होंने 1995 में पूरी करी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में गए। वहां पर उन्होंने एमए इंग्लिश में एडमिशन लिया और एडमिशन करने के बाद उन्होंने तैयारी करी सीडीएस एग्जामिनेशन की जो होता है हमारी आर्मी के लिए। कैप्टन विक्रम बत्रा सुबह जॉब करते थे और रात को अपनी पढ़ाई करते थे। क्यों? ताकि अपने घर वालों पर बोझ ना पड़े। वो खुद कमाते थे और अपनी पढ़ाई के लिए एक एक पैसा खुद देते थे। अब आते हैं उनके मिलिट्री कैरियर के बारे में। उनका मिलिट्री कैरियर कैसा रहा? 1996 में जब उन्होंने सीडीएस एग्जामिनेशन पास करा तो पास करने के बाद उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और जब उनका इंटरव्यू कॉल आया उन्होंने एसएससी का पेपर दिया और वहां से उनका इंटरव्यू कॉल आया और फिर वो गए इलाहाबाद अपना इंटरव्यू देने और वहां पर सिलेक्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने आईएमए देहरादून 1996 में ज्वाइन करी। वहां पर उन्होंने 19 महीने की आर्मी की ट्रेनिंग करी और वहां से करने के बाद वो 13 बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल में भर्ती हुए। उनका बहुत ही हमारे बात करते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा की सबसे बड़ी जंग थी वो थी कारगिल का युद्ध। आपने किसी ने सुना है कारगिल के बारे में? सुना है? कारगिल के युद्ध में हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा उनके दो मेडल पॉइंट थे। पहले पॉइंट ने मिला 4875 पर, वहां पे उन्हें जीत हासिल हुई। जीत हासिल करने के बाद जो उनके ऑफिसर थे उन्होंने हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा आपका मिशन पूरा हो गया है, अब आप ही बताइए। पर हमारे विक्रम बत्रा जो इतने बड़े आर्मी ऑफिसर थे और देश भक्त कि उन्होंने वापिस आने से मना कर दिया और नारा बोला कि दिन भागे मोर। उन्होंने बोला मुझे और चाहिए, मुझे और बड़ा मुझे मिशन चाहिए। उसके बाद जो उन्हें अगला पॉइंट मिला वो मिला 5140 जहाँ पे दुश्मन को पहले से पता लग गया था कि शेर यहाँ आने वाला है। उस जंग में वो लड़े और लड़ सकते हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। इस युद्ध में शहीद होने के बाद उनको परम वीर चक्र से नवाजा गया और ये अवार्ड उनको 15 अगस्त 1999 में मिला था उनकी शहादत के बाद। और उनका नारा ये दिल मांगे मोर आज भी घटनाओं में दौड़ता है। तो दोस्तों जिस तरह आज मैंने आपको एक हमें देश के आर्मी के बारे में बताया कैप्टन विक्रम बत्रा उस तरह हर हफ्ते हम आएंगे और आपको किसी एक आर्मी के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए